धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इन दिनों जमीन से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक सब कुछ बर्फ के सफेद फाहों से ढक चुका है। क्या मकान, क्या पेड़, क्या सड़क, हर चीज पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक और बर्फबारी ने जहां वादियों की चमक बढ़ा दी है, सैलानियों की संख्या बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर आफत भी ला दी है। कैसे कश्मीर में बर्फ मुसीबत बनती जा रही है और कैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर रौनक बढ़ गई है, देखिए इस रिपोर्ट। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। सूफी कवि अमीर खुसरो ने कश्मीर को लेकर ये बात यूं ही नहीं कही थी। बर्फ से ढकी इन वादियों को देखिए, कुदरत की सफेद चादर ओढ़कर चांदी सी चमकती घाटियों को देखिए। भला ये किसका मन ना मोह ले। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है। क्या पहाड़, क्या रास्ता, क्या पेड़, हर चीज पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक कार से शूट किए गए इस वीडियो में हर ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। इस कुदरती मंजर का लुत्फ लेने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं और कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं वो गाड़ियों के इन कतारों को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस मंजर को, इस एहसास को अपनी यादों में बसा लेना चाहता है। बहुत अच्छा लगा हमें, इतना बर्फ तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गिरेगी, तो हम एकदम ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है इतने बर्फ में देखकर, इतना बर्फ तो मैंने खुद कभी नहीं देखा है, तो काफी अच्छा लगा हमें। राजौरी के कांडी इलाके में भी बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है और ये देखकर यहाँ आने वाले सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फरवरी में इस कदर हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की मौज करा दी है। गुलमर्ग हो, श्रीनगर हो या पुंछ, हर जगह आसमान से बर्फ बरस रही है। सोनमर्ग, कुपवाड़ा और राजौरी में भी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बारामूला और पहलगाम में भी रुई के सफेद फाहों की तरह आसमान से बरसी बर्फ ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया है। कश्मीर के हर कोने में बर्फबारी हो रही है, हर कोना बर्फबारी से गुलजार हो गया है। सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग इस सफेद सौगात को देखकर कुदरत को सलाम कर रहे हैं, जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। बर्फ से सफेद हो चुकी जमीन हो या ऊंची ऊंची चोटियां, उनकी खूबसूरती बस देखते ही बन रही है। बर्फबारी के ताजा दौर के बाद एक बार फिर से हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि भीषण बर्फबारी यहाँ रहने वाले और यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि जगह जगह रास्ते बंद होने लगे हैं, लिहाजा चारों ओर गिरी बर्फ ने लोगों को एक तरफ से हाउस अरेस्ट कर दिया है।
हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार रास्ते साफ करने का, बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन बर्फबारी भी जारी है। बेहिसाब बर्फबारी से सिर्फ रास्ते ही बंद नहीं हो रहे, बल्कि बर्फीला सैलाब भी आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए जो गुलमर्ग से आई हैं। ये तस्वीर है बर्फ में दबी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद की। स्कीइंग के लिए गुलमर्ग को सबसे मुफीद माना जाता है। देश विदेश से लोग यहां आते हैं, लेकिन गुरुवार को यहां स्कीइंग के शौकीन सैलानियों के साथ साथ एवलांच भी आया। बर्फ का सैलाब आया और एक लोकल गाइड के साथ रूस से आए 7 सैलानियों को बर्फ के नीचे दबा गया। मौसम सुधरते ही रेस्क्यू शुरू किया गया। 7 सैलानियों और गाइड को तो बचा लिया गया, लेकिन एक सैलानी की मौत हो गई। बर्फबारी में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से सैलानियों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घूमने फिरने जरूर निकलें, लेकिन पहले मौसम की जानकारी और अलर्ट को देख लें, ताकि कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। वो हसीन मंजर जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है, और कुदरत की सफेद सौगात को देखने के लिए इन दिनों एक भगवान भी कश्मीर में है। वो भगवान है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। आपको तस्वीरें वहां की हम दिखाते हैं। मास्टर ब्लास्टर इन दिनों परिवार के साथ वेकेशन पर हैं और वो कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। गुरुवार को वो श्रीनगर की डल झील में शिकारे की सवारी करते हुए नजर आए। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के संग डल झील में सिर्फ शिकारे की सवारी नहीं करते, बल्कि शिकारा चलाते हुए भी वहां पर नजर आए। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। और तेंदुलकर जब डल झील के किनारे पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग किस तरीके से बेताब दिखाई दिए, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 22 फरवरी शिकारे की सवारी की सचिन तेंदुलकर ने, और किस तरीके से क्रिकेट खेलते हुए वो दिखाई दिए वहां के आम लोगों के साथ। 21 तारीख की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जवानों से उन्होंने मेल मुलाकात की। और ये डल झील की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर शिकारे की सवारी करते हुए सचिन तेंदुलकर नजर आए। उसके बाद वहां लोगों से मिले, उनसे देखिए वहां के जो आम लोग हैं उनसे गली क्रिकेट खेलते हुए उनके साथ सचिन तेंदुलकर। और इससे दुनिया ये देख रही है कश्मीर किस तरीके से बदल रहा है। आप खेलते हो? बड़ी खबर आ रही हैदराबाद से। हैदराबाद में सड़क हादसे में एमएलए के निधन की सूचना आ रही है। बीआरएस विधायक जी लस्यानंदा की मौत हुई है। आउटर रिंग रोड पर यह सड़क हादसा हुआ। दरअसल अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में बीआरएस विधायक जी लस्यानंदा की मौत हो गई। तो यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही है बीआरएस विधायक जो हैदराबाद में डिवाइडर से इनकी कार टकरा गई। आउटर रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित थी और डिवाइडर से टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप कार की हालत देखिए, जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और इस भयानक हादसे में बीआरएस विधायक जी लस्यानंदिता की मौत हो गई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद फौरन वहां पर मेडिकल टीम को बुलाया गया। पुलिस और प्रशासन के जो लोग थे वो पहुंचे, लेकिन अस्पताल लेकर जाया गया, पर वहां पर डॉक्टर्स ने जी लस्यानंदिता को मृत घोषित कर दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की, जहां पर एक जोरदार सड़क हादसा हुआ, भयानक सड़क हादसा हुआ है। हैदराबाद में सड़क हादसे में एमएलए के मौत की खबर है।